बहु रुपया देखला ना गांव में, 12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को डुप्लीकेट ओबीसी बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बहरूपिया हैं, वे घूम घूम कर खुद को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं, जबकि असल में वो ओबीसी नहीं बल्कि डुप्लीकेट ओबीसी हैं। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है, गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कहां से आया? ललन सिंह ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहीं पर चाय नहीं बेची है बल्कि वो ढोंग कर रहे हैं। ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको तो, इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। ललन सिंह के बयान पर बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने अस्तरहीन टिप्पणी की है, ऐसे बयान अस्वीकार्य हैं, राजनीति का स्तर अच्छा होना चाहिए।